ये वो शब्द है जो इस रूल को स्वीकार नहीं करते। जो रूल मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया ना कि एस से खत्म होगा तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, खत्म नहीं होगा तो एपोस्ट्रॉफी भी और एस भी, ये नियम, ये शब्द इस रूल को फॉलो नहीं करते। ये सारे शब्द कह रहे हैं भाई हम तो सिंगुलर हैं, लेकिन फिर भी अपने बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ही लेंगे। अगर हमारे साथ काके की दिखाना है ना, तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ही लगाना है। अगर एपोस्ट्रॉफी के पीछे एस लगा दोगे तो ग्रामेटिकली गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि इंग्लिश कहती है ये सारे हिसिंग साउंड गिविंग वर्ड्स हैं, और हिसिंग साउंड गिविंग का मतलब होता है जो शब्द में अपने आप में स का साउंड हो। हर वो शब्द जिसमें अपने आप में स का साउंड होता है, जैसे आप पढ़ोगे ना हरक्यूलिस, स का साउंड आएगा, तो हर वो शब्द जिसमें ये साउंड होता है उसे हिसिंग साउंड गिविंग वर्ड्स कहते हैं। तो इंग्लिश कह रही है इनमें तो पहले से ही स छुपा हुआ है, दोबारा से स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएं जब भी इनके साथ काके की दिखाना है।